नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बेसन अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक सब्जी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा। रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन। एक बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे एक छोटे साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके, 2 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। साथ ही हम डाल देंगे 2 अंडे, तो मैंने अंडे को पहले ही तोड़ लिया है। दोनों अंडे डालने के बाद हम अच्छे से बेसन मिक्स कर लेंगे। एक बार आप रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। 1 कप बेसन के लिए हमारा 2 अंडे यहाँ पे काफ़ी है। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस तरीके से हम बेसन को उठाएंगे और तेल में फ्राई करेंगे। साइज छोटे बड़े जैसे मर्जी आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम एक एक पकौड़ा इसमें डालते जाएंगे। साइज जैसे मर्जी आप यहाँ पे कर सकते हो। डालते टाइम हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे, फिर हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। एक बारी में हमारा सभी पकौड़े आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक तरफ 2 मिनट पहले फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद हम एक एक करके सभी को पलट लेंगे और दूसरी ओर भी हम फ्राई करेंगे हल्का कलर चेंज हो जाने तक। पकौड़े को हम लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, नहीं तो पकौड़े हमारा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अंडे डालने की वजह से पकौड़े आप देख सकते हो जैसे हमने डाला था साइज में डबल हो गया। दोनों ओर से मैंने पकौड़े को अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हो दोनों ओर से बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया है। निकाल लेंगे हम। 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने ऐसे पतले स्लाइस में काट लिया। आलू को हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हल्का कलर चेंज ना हो जाए। इस रेसिपी में आलू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। 3 से 4 मिनट के लिए आलू को फ्राई कर लिया है। आलू का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आलू कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न। 5 फोड़न जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। 2 से 3 पिंच हम डालेंगे यहाँ पे हींग। प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो जाए हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट 30 सेकेंड के लिए और हम भूनेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा भून जाए हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को दरदरा पीस के। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर को ग्रेट करके भी डाल सकते हो। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल अभी लो पे रखेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी जार में डाल के डाल दिया है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर। सभी मसाले डाल लेने के बाद हम अच्छे से 4 से 5 मिनट मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच दही। दही डालने के बाद 1 मिनट और मसाले को भून लेंगे। दही डालने के बाद 1 मिनट और अच्छे से मसाले को भून लिया है। जैसे ही मसाले के साइड से तेल अलग दिखने लगे हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। डाल देंगे हम फ्राई किए हुए आलू। मसाले के साथ 1 मिनट और भूनेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पे पानी।
आलू डाल के मसाले के साथ एक मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे करीब 1.5 कप पानी। पानी हम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बेसन की सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। पहले हम ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाए हम फ्राई किए हुए पकौड़े डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और 4 से 5 मिनट हम सब्जी को ढक के पकाएंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, हम पैन को कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 4-5 मिनट बाद आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी को इससे ज़्यादा और गाढ़ा मत कीजिएगा क्योंकि बेसन की सब्जी है, ठंडा हो जाने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पैन को कवर कर देंगे। 2 मिनट बाद सब्जी को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और ये सब्जी आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए एक बार बनाने के बाद बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।